गाइस कैसे हो, हाइक्स ऑफ पड़ियों का चुनाव फाइली गाइस आ चुके हैं। पैंडी सुपरस्टार रेवन स्टार डार्लिंग प्रवास की कल की 2H980 के कोने एपिसोड में वापस। तो भाई आज चल रहा है छठा दिन एंड ट्यूजडे है भाई, कितना नंबर है वो आ सकता है। देखो हिंदी का हम क्या देखते हैं कि मंडे को एग्जाम्पल के लिए 15 करोड़ आ रहा है भाई, ट्यूजडे को इजिली 14 करोड़ भी आ सकता है, 13.5 से लेकर 14 करोड़। वेडनेसडे को क्या पता 12 से लेकर 12.5 करोड़ आ सकता है, बट साउथ में ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। मंडे को 15 करोड़ आ रहा है तो यहाँ पे ट्यूजडे को भाई 10 करोड़ भी आ सकता है, एंड वेडनेसडे को 5 करोड़ भी आ सकता है, एंड आगे गाइस थर्सडे को 3 करोड़ भी आ सकता है, एंड फ्राइडे को भाई 2 करोड़ भी आ सकता है। और ऐसा हमने बड़े बड़े मूवीज़ के साथ भाई देखा है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि आज के दिन भाई कितना आ सकता है। और उससे पहले देखें कि भाई मंडे को क्या चल रहा है, क्या फाइनल अर्ली एस्टिमेट है वो निकल के सामने आ रहा है। सबसे पहले भाई थोड़ा स्टेट वाइज नंबर देखेंगे ओनली फॉर ऑनलाइन, एक्चुअल में भाई से डेटा थोड़ा हाई हो सकता है, वैसे हम डेली भाई ये डिस्क्लेमर आपको बताते ही हैं। ठीक है, मंडे की बात करेंगे। दिल्ली में ऑलमोस्ट 92 लाख के आसपास बिजनेस किया 2D वर्जन में 551 शोज में 40% ऑक्युपेंसी के साथ, जो कि इस कल का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा, फुली ऑफ वर्किंग डे था पहला मंडे वो भी। एंड 3D की ओर मूव करें तो 1.33 करोड़ के आसपास बिजनेस के साथ 570 शोज में 40 के आसपास ऑक्युपेंसी। बाई 2D हो या फिर 3D हो, दिल्ली में ऑलमोस्ट सिमिलर। महाराष्ट्र 1.34 करोड़ 2D एंड 1130 शोज में ऑलमोस्ट 23% हमें ऑक्युपेंसी है वो देखने को मिली है, जो कि देखा जाए ठीक है भाई 2D इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है महाराष्ट्र में जितना भाई 3D है। एंड 3D की ओर मूव करें तो 2.40 करोड़ के आसपास बिजनेस के साथ ऑलमोस्ट 1175 शोज में 37% हमें ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है, जो कि आज के दिन महाराष्ट्र में 1180 शोज है भाई, 5 शोज है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं 3D वर्जन के। मूव करें यहाँ पे गुजरात की ओर, भाई गुजरात में क्या चल रहा है। देखो हमने डंकी का टाइम देखा था कि सलार भाई डंकी से ज़्यादा बिजनेस कर रही थी गुजरात के अंदर, और हमने देखा कि प्रवास की मूवीज़ का स्पेशली गुजरात में भाई काफ़ी बढ़िया इनको रिस्पॉन्स है वो मिलता है, जो कि अभी हमें कल की में भी देखने को मिल रहा है। हम सिर्फ भाई हिंदी की बात कर रहे हैं, इन स्टेट्स में 1 करोड़ के आसपास 2D एंड 1280 के आसपास शोज थे, लगभग 22 के आसपास हमें ऑक्युपेंसी वो देखने को मिल रही है, जो कि आज लगभग 1295 शोज है वो कर दिए गए हैं, मतलब कि थोड़े से शोज हैं वो इंक्रीज किए हैं। 3D वर्जन केवल 67 लाख, भाई गुजरात में 2D और 3D में ज़्यादा बेटर परफॉर्म है वो, हम नहीं 2D में ज़्यादा भाई परफॉर्मेंस वो करते हुए दिखाई दे, जो कि अदर स्टेट्स में 2D थोड़ा वीक है 3D स्ट्रॉन्ग है, बट गुजरात में भाई 2D स्ट्रॉन्ग है और 3D वीक है। लगभग 67 लाख के आसपास हमें बिजनेस है वो देखने को मिल रहा है, एंड 550 शोज थे कल और आज है 543 शोज। आज 3D शोज है गुजरात के अंदर थोड़े से भाई कम कर दिए गए, ऑलमोस्ट 7 एंड 26 के आसपास हमें ऑक्युपेंसी वो देखने को मिल रही है। मूव करते हैं यहाँ पे बिहार की ओर, भाई बिहार में क्या चल रहा है। भाई कल के दिन यहाँ पे नंबर काफ़ी ज़्यादा कम आया, भाई यहाँ पे बारिश चल रही है, लगभग 9,70,000 नंबर यहाँ पे 2D वर्जन, 171 शोज और आज 170 है, एंड 22 के आसपास हमें ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है, जो कि 3D में केवल 30 लाख एंड 148 शोज, आई 150 शोज है, 2 शोज इंक्रीज कर दिए गए हैं, एंड लगभग 22 के आसपास यहाँ पे ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है। मुझे उम्मीद थोड़ी ज़्यादा थी भाई, बिहार में सलार ने अच्छा बिजनेस किया था यार। झारखंड 2D 10,96 शोज में I 87 है, यहाँ पे शोज कम कर दिए गए 35% ऑक्युपेंसी, एंड 3D में 20,100 शोज है और आज भी 100 ही है, बिल्कुल सिमिलर। उड़ीसा की ओर मूव करते हैं, भाई उड़ीसा में प्रवास सलार के टाइम काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी, एज ऑफ नाउ कल की भी काफ़ी बढ़िया गाइस बिजनेस करते हुए दिखाई दे रही है। 2D वर्जन 22.30 लाख, 270 शोज में 30% ऑक्युपेंसी, एंड 3D 41 लाख, 180 शोज और आज है 177 शोज, 300 ड्रॉप कर दिए गए हैं, एंड 24% हमें ऑक्युपेंसी है वो देखने को मिल रही है। राजस्थान 40 लाख का बिजनेस 327 शोज में 29% ऑक्युपेंसी के साथ, एंड 3D की ओर मूव करें तो लगभग 61.40 लाख के आसपास बिजनेस 291 शोज, जो गाइस आज है 286 शोज, यहाँ पे 4-5 शोज हैं वो ड्रॉप हो गए हैं, लगभग 40 के आसपास हमें ऑक्युपेंसी है वो देखने को मिल रही है। राजस्थान में भाई देखा जाए तो ठीक है मंडे था, हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए। पंजाब 2D वर्जन 12.63 लाख बिजनेस, 240 शोज में 20% ऑक्युपेंसी, 3D 27 लाख, 150 शोज में 45% ऑक्युपेंसी। तो या पंजाब वाली साइड में भाई कल की थोड़ी मेरे को स्ट्रांग है वो दिख रही है।
तो कितना नंबर आ सकता है मंडे के दिन? एज ऑफ नाउ गाइस हिंदी का जो हमें देखने को मिल रहा है 17.50 करोड़ फाइनल अर्ली एस्टीमेट निकल के सामने आ रहा है 17.50 करोड़। एंड संडे को कितना था भाई? 40 करोड़ प्लस। तो यहाँ पे 50% प्लस हमें ड्रॉप अप देखने को मिला है। बट हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सैटरडे टू संडे हमें 50% प्लस जंप ही देखने को मिला था। एंड यही नंबर आया था तो इंडिया नेट जाएगा पहले 5 दिनों में, मतलब कि हिंदी की बात कर रहे हैं, ओनली 129.65 करोड़ के आसपास, बिल्कुल क्लोज है 130 करोड़ के। एंड ये अब तक की बात करें तो भाई यहाँ पे पुष्पा का फर्स्ट पार्ट जो बिजनेस किया था भाई ओवरटेक कर चुकी है। बाहुबली 119 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया था, हिंदी वर्जन की बात कर रहे हैं भाई, ओवरटेक कर दिया। नेक्स्ट भाई क्या टारगेट है? 140 करोड़। आदि पुरुष का बिजनेस था भाई, हिंदी डब की बात कर रहे हैं, ओनली ओवरटेक करना। नेक्स्ट फिर साहू का टारगेट होगा 145 करोड़ भाई, ओवरटेक करना। एंड नेक्स्ट मेरे ख्याल में सलार 170 करोड़। एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीक जैसे समाप्त होगा थर्सडे तक भाई मामला 170 करोड़ के आसपास तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए, 170 करोड़ तक। रिलीज से पहले मैंने बताया था 170-180 आता है, समझ लो भाई हिंदी में ये पिक्चर प्रॉफिट में हिट है। एंड ये 170-180 से ज़्यादा ही जाएगा, आई एम डैम श्योर कि भाई हिंदी में ये सुपर हिट है कल की 289 AD। ये मेरी तरफ से कन्फर्म है, मैंने 2 या फिर 3 दिन पहले ही बताया था और एज आई नो अगेन भाई रिपीट है वो कर रहे हैं, हिंदी में कल की भाई सुपर हिट हो चुकी है। एंड दिस ईयर की बात करें हिंदी में हाईएस्ट क्वेश्चन तो शैतान 152 करोड़, नेक्स्ट है फाइटर 215 करोड़, जो कि शैतान को ये बस 2 दिनों के अंदर अंदर ओवरटेक है वो कर देगी। एंड बात करें यहाँ पे फाइटर की, या थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि सेकंड ऑफ वीकेंड में हमें फ्राइडे सैटरडे संडे को भाई क्या बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। एंड डाइसोस लेके 300 करोड़ तक गाइस मुझे इजीली दिख ही रहा है। एंड अब तक की बात करें तो शायद ये हाईएस्ट क्वेश्चन को वाले पिक्चर बन सकती है अब तक की। आगे भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं भाई, पुष्पा आ रही है, सिंगम आ रही है, स्त्री आ रही है, तो या 300 करोड़ हमें देखने को मिल सकता है, ये बाद में देखा जाएगा। एंड तेलुगु की बात करें तो लगभग भाई यहाँ पे मंडे का 15 करोड़ के आसपास मेरे को अर्ली एस्टिमेट दिख रहा है 15 CR। तमिल 2.20 करोड़, एंड कनाडा ऑलमोस्ट 35 लाख, मलयालम 1 करोड़ 40 लाख, टोटल ऑफ लगभग 36 करोड़ के आसपास मेरे को नेट फिगर दिख रही है 36 करोड़। संडे कितना था? 90 करोड़, ऑलमोस्ट 60% हमें संडे टू मंडे ड्रॉप है गाइस वो देखने को मिल रहा है। देखो 50 लेके 60% एक नॉर्मल ड्रॉप रहता है, तो ये गाइस मंडे टेस्ट पास किया है भाई इसने, नो डाउट अबाउट। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये 50 लेके 60% जो गाइस हम ड्रॉप बोल रहे हैं कि नॉर्मल, भाई ये हिंदी के लिए है एंड ये साउथ के पिक्चर है। तेलुगु आसों को पता है कि संडे को 70 कर रहा है तो भाई मंडे को 20 भी कर सकता है, साउथ में ऐसा ही चलता है। एंड यही नंबर रहता है तो ये जाएगा, मतलब इंडिया ग्रॉस ऑलमोस्ट 44 करोड़ के आसपास जाएगा, 13 से लेके 15 मुझे ओवरसीज से उम्मीद है। आप पकड़ लो 55 से लेके 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आने वाला है डे नंबर 5 में, 55 to 60 करोड़। एंड हमारे पास क्या नंबर है? 555 करोड़। एंड आज का पोस्टर लोडिंग 615 करोड़ के आसपास, 615 करोड़ के आसपास भाई आज के दिन हमें पोस्टर है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, शायद 2-3 करोड़ आगे पीछे हो सकता है। लेट्स सी गाइस, अभी इंतजार रहेगा। नाउ अब मूव कर दें भाई आज हमें क्या देखने को मिल सकता है, कितना नंबर है गाइस वो आ सकता है। बट उससे पहले देखेंगे भाई शोज काउंट एक्चुअल में भाई क्या है आज। तेलुगु 2D की बात करें, लगभग 3016 शोज थे कल और आज हैं 2966 शोज, भाई थोड़े से ही ड्रॉप हुए हैं। एंड 3D 2007 शोज थे कल, भाई क्या 2007, एंड आज है 1990 शोज है आज, या थोड़े से यहाँ पे भी ड्रॉप हुए हैं। हिंदी की ओर मूव करें तो 2D में 7095 शोज थे यस्टरडे को और आज है 7135 शोज है, भाई हिंदी के शोज है वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं जो कि तेलुगु के थोड़े से भाई ड्रॉप हुए हैं। एंड 3D की ओर मूव करें तो 5042 शोज थे कल और आज है 5055 शोज, थोड़े से हमें यहाँ पे इंक्रीज़ है वो देखने को मिला। आप सीधे सा पकड़ो यार, ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, दोपहर तक शायद हमें थोड़े और शोज़ है वो इंक्रीज़ देखने को मिल सकते हैं। और आज के दिन फाइनली भाई कितना नंबर है वो आ सकता है। देखो अभी हिंदी की बात करें तो मुझे समथिंग अराउंड 15 करोड़ के आसपास तो भाई फिगर दिख ही रही है, 15 to 16 करोड़ के आसपास ओनली हिंदी लैंग्वेज का। एंड मूव करें भाई तेलुगु की ओर, भाई तेलुगु का मुझे लगता है कि आज नंबर अच्छा खासा ड्रॉप होने वाला है। वैसे मैंने देखा कि हैदराबाद के अंदर तो भाई ऑरेंज छाया है, बट ओनली हैदराबाद से काम थोड़ी चलेगा, AP में भाई थोड़ा मेरे को वीकनेस नज़र आई है आज के दिन, तो आप समथिंग अराउंड पकड़ लो कहीं ना कहीं 12 करोड़ के आसपास तेलुगु वर्जन का,
गाइस 12 करोड़ के आसपास। तो ये जाएगा एग्जांपल 15, 16, 27, आप ऑल ऑफ लैंग्वेज का इंक्लूड करके समथिंग अराउंड 30 करोड़ के आसपास नेट की गाइस हम उम्मीद करते हैं, 30 करोड़ के आसपास। शायद बांग्ला गाइस और भी नीचे आ सकता है, तेलुगु गाइस मुझे आज के दिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। लेट्स सी गाइस, अब देखते हैं कि मॉर्निंग के शोज हैं वो किस तरह के रहते हैं। एंड 30 करोड़ के आसपास नेट, तो समथिंग अराउंड 50 करोड़ आप वर्ल्ड वाइड की पकड़ लो आज के दिन, डे नंबर 6। एंड हिंदी की बात करें भाई, 170 करोड़ प्लस जाएगा तो सुपर हिट है। एंड केरला में मैंने आपको बताया दिया सुपर हिट है। एंड ओवरसीज में 150 करोड़ प्लस जा ही चुका, मैंने क्या बताया था 160 से लेके 170 करोड़ के आसपास करना है ओवरसीज से, तो मामला गाइस यहां पे भी हिट जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। तो ओवरसीज हिंदी मार्केट्स एंड केरला में भाई पिक्चर ऑलमोस्ट प्रॉफिट अभी जाने वाली है कल से आगे, बाकी ये नजर थोड़ा भाई वेट करो। बाकी चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।